How to install sales.js MVC model view control framework with Nginx on Ubuntu 20. In this article, you will learn how to install sales.js framework on Ubuntu 20. Also, you will learn how to create a new project using sales.js and setting up Nginx as a reverse proxy for sales.js application. To get started, ensure you have got the following requirement: operating system Ubuntu, installing development tools. First, you will installing some development tools such as Build Essentials and GCC. Login into your server and run the apt command below to update repositories. Sudo apt update. तो इससे हमारे Ubuntu की repositories update हो जाएगी. Then next, execute the following command to install development tools. Sudo apt install curl space build hyphen essentials space gcc space g++ space mac. तो ये development tools इसमें install हो गए हैं. Install node.js and yarn package manager. तो dependency software है, ये भी हम install कर लेते हैं. Before installing sales.js, you must install node.js. In this steps, you will be install node.js using the nodesource.com repositories, and you will install the latest LTS version node.js 16.x. Execute the below command to node the node.js repository. The command will automatically add the node.js repository and refresh repositories on your system. In the end, you will see the output message that suggests you install the yarn package manager and yarn jpg key and repository using following command. तो ये jpg key हमने repository में add कर दी है. अब हम इंस्टॉल करेंगे sudo apt get update and end sudo apt get install yarn. तो इससे हमारे yarn पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा और node.js पैकेज भी इंस्टॉल हो जाएगा. node.js पैकेज इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे हम y प्रेस करना है हमें. एक बार हम इसका वर्जन चेक कर लेंगे, इससे हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि हमारा node.js प्रॉपर इंस्टॉल हुआ है. तो उसके लिए हम सिंपली टाइप करते हैं नोड स्पेस हाइफन हाइफन वर्जन. तो नोड जो हमारा इंस्टॉल है वो है v16 और यान पैकेज का जो वर्जन है वो भी देख लेते हैं. 1.22 का जो इंस्टॉल हुआ है इसमें यान. इंस्टॉल सेल्स जेएस विद यान पैकेज मैनेजर. इन दिस स्टेप यू विल बी इंस्टॉल सेल्स डॉट जेएस लेटेस्ट वर्जन using the yarn package manager. Execute the following command to install sales.js globally on your system wide. Sudo space yarn space global add sales. तो यहाँ पे मुझे कुछ एरर दे दिया, दोबारा से रन करके देखते हैं. तो सक्सेस हो गया, इंस्टॉल सक्सेस. दिस रन द सेल्स कमांड बिलो टू वेरीफाई द वर्जन. एक बार हम इसका वर्जन वेरीफाई कर लेते हैं. सेल्स स्पेस हाइफन हाइफन वर्जन. तो सेल्स का वर्जन है 1.5.2. तो अब हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे सेल्स के अंदर. इन दिस स्टेप्स यू विल लर्न हाउ टू स्टार्ट ए न्यू प्रोजेक्ट यूजिंग सेल्स डॉट जेएस. फॉर सिक्योरिटी रीजंस इट्स रिकमेंडेड टू स्टार्ट ए न्यू सेल्स प्रोजेक्ट विद नॉन रूट यूज़र. तो हम नॉन रूट यूज़र से आ जाते हैं. Ubuntu से लॉग इन करूँगा जो कि मेरा नॉन रूट यूज़र है. Execute the sales command to blow create a new application. In this example, we will create an application named test app. तो यहाँ पे type करेंगे sales space new space test app. अब यहाँ पे आ रहा है choose a template for your new sales app. तो अभी हमारे पास हम एक example app create कर रहे हैं. तो simply हम one choose करेंगे. अब इंस्टॉलिंग डिपेंडेंसीज, तो ये अभी कुछ इंस्टॉलिंग करेगा. क्रिएटेड न्यू सेल्स ऐप, तो हमारी एक ऐप क्रिएट हो गया टेस्ट ऐप के नाम से. व्हेन योर एप्लीकेशन इज क्रिएटेड यू विल सी द आउटपुट मैसेज सच एज क्रिएटेड न्यू सेल्स ऐप टेस्ट ऐप एंड यू विल गेट अ न्यू डायरेक्टरी टेस्ट ऐप ऑन योर होम डायरेक्टरी. तो टेस्ट ऐप के नाम से एक डायरेक्टरी क्रिएट हो गई है, उसमें हम एंटर करेंगे. तो सिंपल टाइप करेंगे cd space test app.
तो डायरेक्टरी के अंदर हम आ गए हैं टेस्ट ऐप के अंदर। अब उसको एक बार एलएस करके देखते हैं। तो इसमें ये फाइल्स और ये डायरेक्टरीज के अंदर क्रिएट हुई हैं टेस्ट ऐप के अंदर। सेल्स स्पेस लिफ्ट, अभी वाली हम कमांड रन करेंगे, इससे हमारी जो टेस्ट ऐप है वो रनिंग हो जाएगी। तो ये रनिंग मोड में आ गई है। यहाँ पे आ गया सर्वर लिफ्टेड एनवायरनमेंट डेवलपमेंट पोर्ट 1337, सर्वर लिफ्टेड इन दिस टू शट डाउन सेल्स स्पेस कंट्रोल सी। वंस योर वेब ब्राउजर एंड टाइप ओपन योर वेब ब्राउजर एंड टाइप आईपी एड्रेस विद पोर्ट 1337। तो जब मेरा उबंटु का आईपी एड्रेस है वो है 192.168.0.251 और डिफ़ॉल्ट पोर्ट है 1337। तो ये सेल्स ऐप का मेरे पास डैशबोर्ड आ गया है, न्यू सेल्स ऐप जो हमने क्रिएट की थी। दिस इज़ फ्रेशली जनरेटेड प्रोजेक्ट प्लस ए फ्यू एक्सट्रैक्ट्स ईमेल्स एप्लीकेशन बिलिंग्स। यू विल सी द डिफ़ॉल्ट इंटेक्स पेज ऑफ द सेल्स डॉट वेब एप्लीकेशन। अब इसे हम एक बार कैंसिल कर देते हैं, कंट्रोल सी प्रेस करेंगे। अब सेल्स एप्लीकेशन इज सिस्टम सर्विस डी, इसको हम सिस्टम डी सर्विस फाइल बनाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या, हम यू विल बी क्रिएटिंग ए न्यू सिस्टम डी सर्विस फाइल फॉर दिस सेल्स डॉट जे एस एप्लीकेशन। तो क्रिएट न्यू सर्विस फाइल टेस्ट ऐप डॉट सर्विस यूजिंग द नैनो एडिटर। तो नैनो एडिटर यूज़ करके हम एक सिस्टम डी फाइल क्रिएट करेंगे। तो आपको यहाँ पर टाइप करना है नैनो स्पेस स्लैश ईटीसी स्लैश सिस्टम डी स्लैश टेस्ट ऐप डॉट सर्विस। कॉपी एंड पेस्ट द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन। मेक श्योर टू चेंज द यूज़र विद योर यूज़र एंड वर्किंग डायरेक्ट्री विद योर वर्किंग प्रोजेक्ट डायरेक्ट्री। तो मेरी जो वर्किंग डायरेक्ट्री है वो है होम स्लैश उबंटू स्लैश टेस्ट ऐप और मेरा यूज़र उबंटू है। तो आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे चेंज कर लीजिएगा अपने यूज़र नेम और डायरेक्ट्री। अब हम यहाँ पे सिंपली कंट्रोल एक्स प्रेस करेंगे और वाई प्रेस करेंगे तो ये मेरी फाइल सेव हो जाएगी। एक बार हम अब इसके बाद हम डेमन को रिलोड करेंगे। नेक्स्ट रिलोड द सिस्टम मैनेजर टू अप्लाई न्यू कॉन्फ़िगरेशन यूजिंग द फॉलोइंग कमांड। तो टाइप करना है आपको sudo space systemctl space daemon hyphen reload। तो सिस्टम डी मेरा रिलोड हो जाएगा। इससे स्टार्ट योर सेल्स एप्लीकेशन यूजिंग द फॉलोइंग कमांड। तो जो हमने टेस्ट ऐप करके एक हमने एप्लीकेशन क्रिएट की थी उसको हम स्टार्ट कर देंगे। तो स्टार्ट हो गई है। एक बार हम उसका स्टेटस चेक करते हैं systemctl space status space टेस्ट ऐप। तो ये देखिए दोस्तों सर्विस रनिंग है, एक्टिव है। ये देखिए दोस्तों मेरी एप्लीकेशन प्रॉपरली रन कर रही है। दिस सेल्स एप्लीकेशन सर्विस इज एक्टिव एंड रनिंग, इट्स रनिंग ऑन द डिफॉल्ट डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स विद डिफॉल्ट पोर्ट। अब हमें क्या करना है, मूव टू नेक्स्ट स्टेप टू सेटअप एंजिनिक्स एज रिवर्स प्रॉक्सी फॉर योर सेल्स ऐप। Setup Nginx as reverse proxy for sales app. In this step, you will be installing and configuring the Nginx web server as a reverse proxy for sales.js application. तो सबसे पहले हम Nginx को इंस्टॉल कर लेते हैं। टाइप करेंगे sudo apt install Nginx। तो Nginx इंस्टॉल हो गया है। After Nginx installation, complete create a new service block configuration. तो Nginx हमारा complete हो गया, इसके बाद हम एक service configuration file create करेंगे using nano. तो आप टाइप करिए यहाँ पे sudo space nano space etc slash nginx slash sites hyphen available slash test app। अब आपको यहाँ से चेंज द डोमेन, आपको जो भी अपना डोमेन है आप उसको चेंज कर दीजिए और यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन फाइल ये जो कमांड है इसे कॉपी कर लीजिए आप और सिंपली मुझे यहाँ पे प्रेस कर देना है। यहाँ से अपना सर्वर का नाम चेंज कर सकते हैं, जो भी आपका सर्वर का नाम है आप सिंपली इसको सेव कर दीजिए। कंट्रोल एक्स प्रेस कीजिए और वाई प्रेस कीजिए और एंटर कर दीजिए। नेक्स्ट एक्टिव द टेक्स्ट ऐप सर्वर ब्लॉक एंड वेरीफाई द एंजिनिक्स कॉन्फ़िगरेशन यूजिंग फॉलोइंग कमांड sudo ln ये हम एंटर। उसके बाद हम एंजिनिक्स का सिंटैक्स चेक करेंगे कि वो प्रॉपरली वर्किंग है यानी, एंटर करते हैं।
तो यहाँ पे मुझे कुछ अभी फेल्ड दिखा रहा है, टेस्ट फेल। एक बार दोबारा से वाली कन्फेशन फाइल देख लेते हैं इंजीनियर्स की, उसमें कुछ उसमें एरर तो नहीं है। यहाँ पे मेरे फाइल में कुछ एरर है, इसको हम चेंज कर लेते हैं दोबारा से। हाँ सर्वर नेम आपको हटाना नहीं है, मैं बस ऐसे ही बस चेक करने के लिए हटा के देख रहा हूँ कि कहीं इससे तो कोई एरर नहीं आ रहा। दोबारा सिंटैक्स चेक करते हैं हम। सूडो स्पेस एंजिनिक्स स्पेस हाइफन टी। तो दोस्तों देखिए, सिंटेक्स इज़ ओके, टेस्ट इज़ सक्सेसफुल। तो मेरी ये फाइल सक्सेसफुल टेस्टिंग का दिखा रहा है, सिंटेक्स ओके दिखा रहा है। इफ़ यू डोंट हैव एनी एरर्स ऑन योर इंजन कॉन्फ़िगरेशन, यू विल सी द आउटपुट मैसेज एज सिंटेक्स इज़ ओके। नाउ रीस्टार्ट द इंजनिक्स। तो एक बार इंजनिक्स को रिस्टार्ट करेंगे ताकि उसके जो सर्विस ब्लॉक्स हैं वो अप्लाई हो जाए उसमें। तो रिस्टार्ट हो गया इंजनिक्स। लास्टली यू नीड टू अलाउ द WW data users to access your sales application. Change your working directory to the home using the following command. In this we are using the user Ubuntu, and enter कर देंगे तो home directory में हम आ गए हैं। Change the ownership and permission of the sales.js application directory using the command below. तो उसकी ownership हम यहाँ पर change कर देंगे, enter करते हैं। ऑनरशिप परमिशन, तो परमिशन हमने इसको दे दिए। नाउ यू हैव कंप्लीट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एंजिनिक्स एज रिवर्स प्रॉक्सी फॉर द सेल्स डॉट जे एस। वेरीफाई योर सेल्स डॉट जे एस एप्लीकेशन ऑन योर मशीन, एडिट द होस्ट कॉन्फ़िगरेशन यूजिंग द कमांड। तो होस्ट फाइल हमें अपने होस्ट अपडेट करना है यहाँ पे, एंटर करते हैं। तो अभी यहाँ पे कोई होस्ट है नहीं, तो उसको हम एडिट करेंगे और यहाँ पे अपने होस्ट नाम दे देंगे। मेरा होस्ट नेम जो है मेरा सर्वर का आईपी है, और फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम आएगा उसके बाद। कॉपी द पेस्ट फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन, मेक श्योर टू चेंज द आईपी एड्रेस एंड डोमेन नेम विद योर ओन। तो मेरा आईपी एड्रेस है वो है 251 और फुल्ली डोमेन नेम है ubuntu.techno.com। और जो हॉस्ट नेम है वो है उबंतु। तो यहाँ पे हॉस्ट नेम एक बार चेंज कर लेता हूँ, हॉस्ट नेम CTL स्पेस सेट हाइफन हॉस्ट नेम स्पेस जो हॉस्ट नेम आप देना चाहते हैं। तो मैं देना चाहता हूँ उबंतु। एंटर। तो हॉस्ट नेम चेंज हो गया, एक बार चेक कर लेते हैं हॉस्ट नेम। उबंटू चेंज हो गया मेरा होस्ट नेम मेरे सर्वर का। नाउ नेक्स्ट ओपन योर वेब ब्राउजर एंड टाइप द डोमेन नेम ऑफ योर सेल्स एप्लीकेशन एज बिलो, एंड नाउ क्लिक ऑन साइन अप। तो एक बार हम अपना कॉन्ग्रेचुलेसन, ये देखिए कंक्लूजन आ गया है मेरा, मुझे क्या क्या हमने इस पर किया है। कंग्रेचुलेसन, यू हैव सक्सेसफुली लर्न हाउ टू इंस्टॉल सेल्स डॉट जे एस फ्रेमवर्क ऑन द उबंटू। तो उसको रिफ्रेश करेंगे। अब हम चलते हैं यहाँ पे ऑथेंटिकेशन में, और यहाँ से हम करेंगे साइन अप। यहाँ पे अपना नाम दे लीजिए और ईमेल एड्रेस जो भी आप देना चाहते हैं वो दे लीजिए, और उसके बाद सेव कर दीजिए। क्रिएट अकाउंट्स, वेलकम, दिस इज पेज दैट ओनली लॉक्ड इन पीपल कैन विजिट, डोंट यू फील स्पेशल, ट्राई क्लिक ऑन बटन बिलो टू डू समथिंग यू कैन डू व्हेन यू आर लॉक्ड आउट। तो इस तरह से आप सेल्स डॉट जे एस कॉन्फिगर कर सकते हैं और उस पर कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।